भाषा कहाँ खो गई? जिस भाषा को भारत के गौरव का प्रतीक माना जाता है आज वो खोती जा रही, आखिर ऐसा क्यों? सुनो सुनो भाई मेरी व्यथा सुनो, मेरे भारतवासियों ने मुझे पराया कर दिया है, अंग्रेजी को प्राथमिकता दे मुझे पीछे कर दिया। तुम तो सम्मान के अधिकारी हो तो तुम्हारे साथ ऐसा अपमान क्यों, कैसे? बच्चों को ही देख लो, उन्हें तो 78 बार अन्यासी का अर्थ भी नहीं पता है, और जब हिंदी पढ़ने बैठते हैं तो पूछते हैं अगर इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो उन्हें कोई यह बताया कि 78 को 78 और 79 को 79 कहते हैं। और तो और उनके माता पिता भी घर के बाहर उन्हें अंग्रेजी बोलने पर जोर डालते हैं ताकि वो जीवन में सफलता प्राप्त कर सके, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि हिंदी भाषा के माध्यम से भी जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। अरे राम राम, नमस्कार, राधे श्याम की जगह संबोधन माना जाता है, जब लोग दुख में होते थे तो हाय हाय करते थे, परंतु अब जरा सुबह हुई नहीं कि ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हाय से शुरुआत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद जैसे शब्द भी अब थैंक यू में सिमट कर रह गए। पहले जब काम को जल्द से जल्द करने को कहा जाता था, अब कहा जाता है एज सून एज पॉसिबल। लोग जिंदगी को आसान बनाने के लिए हिंदी को भूलते ही जा रहे हैं। हिंदी को अपनाना है, अंग्रेजी से पहले हिंदी को सम्मान।